फायर सेटिंग इंटरव्यू सो लेविस्टन फायर रेजिंग डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है दैट इज कंसिस्ट अपॉन ट्वेल्व सेल्फ रिपोर्टेड आइटम्स और इसका जो मेन फंक्शन होता है वो ये होता है कि चाइल्ड की जो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स हैं और कॉगोनेटिव रिस्पॉन्स हैं ड्यूरिंग सेटिंग द फायर जो है उसको आइडेंटिफाई करना द सेकेंड वन इज़ चिल्ड्रेंस फायर सेटिंग इंटरव्यू है जिसके अंदर कोशिश की जाती है कि हम ये आइडेंटिफाई कर सकें कि बच्चे का कितना नॉलेज है अबाउट द डिफरेंट फायर सेटिंग थिंग्स ठीक है आ, तो इसकी जो है मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि जो चिल्ड्रन फायर सेटिंग इंटरव्यू है उसके कितने कंपोनेंट्स हैं और उसमें हम क्या क्या बातें जो हैं uh, वो uh, बच्चे से पूछते हैं फॉर गेटिंग द आइडिया वेदर द चाइल्ड नोस के फायर सेटिंग uh, uh, जो है उसके जो डिफरेंट डायमेंशन है वो फैसिनेट कितना होता है उसकी नॉलेज फायर सेटिंग के बारे में कितनी है फायर सेफ्टी के बारे में उसकी नॉलेज कितनी है तो ये सारी चीजें जो हैं वो हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं इस फायर सेटिंग इंटरव्यू में सो so, सबसे पहले हम देखते हैं कि जिसमें हम सबसे पहले बच्चे का नाम पूछेंगे डेफिनेटली जो इंटरव्यूअर होगा यानी जैसे अगर आप हैं तो आप अपना नाम लिखेंगे डेट लिखेंगे आईडी रिकॉर्ड होता है कि अगर कोई आपके आ, क्लिनिक के अंदर नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नंबर होता है ये वो आईडी नंबर आई आई नहीं है ये वो आईडी नंबर है जो आप अपने फाइल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए आ, प्रिंट करते हैं अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ कि जितने भी डायरेक्ट असेसमेंट के अंदर मैं आपको स्केल्स जो है आ, वो आ, समझा रही हूँ दीज आर नॉट फॉर योर पर्सनल यूज़ आप इसको यूज़ नहीं कर सकते आप इसको सिर्फ एकेडमिक पर्पजस के लिए अंडरस्टैंड कर सकते हैं लेकिन आप इसे कमर्शली यूज़ नहीं कर सकते किसी भी क्लाइंट के ऊपर विदाउट टेकिंग द प्रायर जिसे कहते हैं परमिशन फ्रॉम द ऑथर तो इस चीज़ को याद रखिएगा सो so, uh, इसके अंदर हम फर्स्ट अगर ए पार्ट देखें तो दैट इज़ अबाउट द करियोसिटी अबाउट और अट्रैक्शन टू फायर अब इनके जो हमने आंसर्स uh, लेने हैं बच्चे से वो किस तरह लेने हैं वो दो तरीक़ों से ले सकते हैं या तो आप बच्चे को ये शीट दे दें और वो इसमें पढ़ लेगा कि वन इज़ नॉट एट ऑल टू इज़ वेरी लिटल थ्री इज़ समर्ड फोर इज अलॉट एंड फाइव इज वेरी मच या आप उस बच्चे को ये पांच कार्ड दे दें जो कि इसके साथ ही आपको मिलते हैं फायर सेटिंग इंटरव्यू के तो वो कार्ड्स आप पांच उसको पकड़ा दें और उसे कहें कि जो भी आप आइटम उसको बोल रहे हैं अगर वो थ्री पे फील कर रहा है तो वो थ्री वाला आइटम कार्ड शो कर दे टू पे कर रहा है तो टू वाला कार्ड शो कर दे और इनकेस अगर वो आ, ऐसा नहीं कर रहा आ, ऐसा नहीं करना चाहता या आपको लगता है कि वो ये आइटम्स पढ़ के खुद से जवाब दे सकता है तो वो उसको खुद से पढ़ के भी जवाब दे सकता है ठीक है सो नंबर वन हाउ हाउ क्यूरियस आर यू अबाउट फायर ठीक है यानी सबसे पहले उससे उसकी क्यूरियोसिटी लेवल आपने पूछना है फॉर एग्जांपल अगर वो कहता है नॉट एट ऑल तो आप उसे वन पे मार्क कर दें अगर वो कहेगा वेरी लेटल तो आप उसे टू पे मार्क कर दें अगर वो कहेगा वेरी मच तो आप उसे फाइव पे मार्क uh, कर दें इसी तरह जिस तरह आइटम नंबर फोर है हाउ मैजिकल और स्पेशल इज़ फायर टू यू ठीक है इसके ऊपर भी वो जो भी रिस्पॉन्स सेट देगा वो रिस्पॉन्स का जो आप नंबर है वो आप इधर आगे की तरफ जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं ठीक है, है? आ, इसी तरह जो आइटम नंबर नाइन और टेन है इसमें ये है कि वट डू यू लाइक मोस्ट अबाउट फायर तो so डेफिनेटली इसके अंदर वो कोई क्वालिटेटिव जवाब देगा इसमें वो रेटिंग नहीं देगा तो आपने वो जवाब जो है वो यहाँ पर लिख लेना है इसी तरह वन डू यू थिंक अबाउट फायर वट डू यू थिंक अबाउट ठीक है तो इसी तरह ये भी क्वालिटेटिव जवाब होगा वो जो भी जवाब देगा आप यहाँ लिख सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल वो अगर वो आप उससे पूछते हैं वट डू यू लाइक मोस्ट अबाउट फायर तो हो सकता है वो कह कहे कि द स्मेल ऑफ द फायर तो वो जो भी कहेगा जो उसका रिस्पॉन्स है दैट इज़ द क्वालिटेटिव वन तो आप यहाँ पर लिख सकते हो इसी तरह आ, जब हम इसके पार्ट बी में आते हैं तो वो इन्वॉलमेंट इन फायर रिलेटेड एक्टिविटीज़ जो है वो उसके बारे में है फॉर एग्जाम्पल वो कहता है डिड शू एवर पुल अ फायर अलार्म वेन देयर रियली वॉज नॉट एनी फायर और स्मोक अराउंड तो अगर नो है तो उसको तो आपने वैल्यू वन दे देनी है लेकिन अगर येस yes है तो हाउ मैनी टाइम्स ऐसा उसने एक दफ़ा किया दो दफ़ा किया तीन दफ़ा किया दफा किया या छः से ज़्यादा दफ़ा किया तो ये जो है यहाँ पे रीडिंग स्किल्स हैं अगर आपने वो बच्चा कहता है कि जी मैंने कभी ऐसा नहीं किया तो सिंपल नो वन अगर वो कहता है जी तीन तीन दफ़ा किया या चार दफ़ा किया तो आपने फोर रेड कर देना है तो यू नीड टू बी फाइंड द रीडिंग स्किल फ्रॉम हेयर इसी तरह Uh, यहाँ पर आप uh, uh, मजीद फर्दर uh, देखोगे कि डिड एनी वन एनी वन लाइक सम वन फ्राम द स्कूल द पुलिस और नेबर्स एवर समन इन योर हाउस अबाउट योर प्लेइंग विद फायर ठीक है यानी किसी ने भी कभी भी उसको इस बारे में नॉलेज दी कि जो फायर के साथ वो प्ले करता है तो उसके बारे में किसी किस्म की भी कोई नॉलेज एवर सॉरी एवर टल सम यानी उसने किसी को बताया है अपनी फैमिली में ठीक है उसने किसी और को अगर वो कहता है कि नहीं मैंने नहीं बताया तो वन और अगर वो कहता है कि नहीं मैंने ज्यादा दफ़ा बताया है तो यानी दो दफ़ा बताया है तीन दफ़ा बताया है छः दफा बताया है तो उस तरह के रीडिंग स्केल के ऊपर आपने उसको मार्क कर देना है इसी तरह आ, इस चीज़ का नॉलेज उससे गेन करना है कि वो किन किन चीजों को जो है वो आ, जिस तरह है यूज करता है जैसे फॉर एग्जाम्पल वो पीस ऑफ वुड्स को यूज़ करता है ग्लास का विंडो को यूज़ करता है ऑरेंज जूसेस और एप्पल जूसेस को यूज़ करता है ठीक है तो इस किस्म की जो चीज़ चीज़ें हैं उनको उससे आइडिया लेना है कि वो कौन कौन सी चीज़ों का नॉलेज जो है वो उसके पास मौजूद है फिर इसी तरह जो फायर सेफ्टी स्किल्स हैं उनको हमने आइडेंटिफाई करना है कि आइडर उसको पता है कि फायर से खेलना जो है वो डेंजरस है या नहीं है फॉर एग्जाम्पल वो कहता है डोंट नो जर्नल प्रॉब्लम बर्न थिंग्स बर्न सेल्फ बर्न थिंग्स एंड पीपल तो उसके ऊपर जो है वो उसकी रेटिंग्स जो है वो वन से थर्टी तक आप उसकी uh, लेते रहेंगे उसके बाद इफ़ यू नीड टू यूज़ अ मैच टू लाइट अ फ्यू पीसिस ऑफ वुड टू मेक अम टू मेट अ कैम्प फायर ऑन अ बीच वट स्टेप वुड यू फॉलो वट वुड यू डू फर्स्ट वट वुड यू डू नेक्स्ट तो इस तरह जो है ये आप सारे जो हैं उससे रेटिंग लोगे कि वो इसको सीक्वेंस में करें कि वो सबसे पहले क्या करेगा बाद में क्या करेगा इस तरह तो ये जो है फायर सेफ्टी की सारी इंफॉर्मेशन आप उससे लोगे इससे आइडिया होगा कि बच्चे को किस हद तक इन सारी एक्टिविटीज़ का आइडिया है और उसकी क्यूरियोसिटी लेवल कितनी है और वो कितना ज़्यादा इस डेंजरस एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व है इसी तरह एंड के अंदर जो भी इधर जो उसके डेमोग्राफिक वेरिएबल्स हैं वो आप ले लोगे जो उसका एड्रेस है वो ले लोगे इसी तरह हम उसके जो फ्रेंड्स हैं कितने फ्रेंड्स नंबर ऑफ़ फ्रेंड्स उसके स्मोक कर रहे हैं यानी उसको कितनी तरह से आ, जो फायर है उसका एक्सपोजर जो है वो मिल रहा है वो चीज़ें आप जो है वो यहाँ पर रिपोर्ट आ, ले लोगे उससे ठीक है उसके बाद आ, ये देखना होगा कि बच्चा जो है उसे डिसिप्लिन किस किस लेवल पे किया जा रहा है कि क्या जब वो गलतियाँ करता है तो उसे घर में कोई डिसप्लिन करता है या नहीं या अगर वो घर से बाहर है तो कोई उसे डिसप्लिन करता है कि नहीं और अगर कोई और उसको देखता है तो कोई और उसको डिसप्लिन करता है कि नहीं यानी उसकी लाइफ में कितनी सुपरविजन जो है वो इन्वॉल्व है तो दिस इज़ समथिंग कि जो कि हम डायरेक्ट असेसमेंट में इससे मैंने एक टूल को आपके साथ डिस्कस किया है इस तरह हम जो डिफरेंट uh, uh, किस्म की बच्चे की होती हैं लेवल्स ऑफ नॉलेज और लेवल ऑफ़ करियॉसिटी उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और ये इंफॉर्मेशन जो है ये आपको हेल्प करेगी आपके डायग्नोसिस में उसके कॉजेस uh, को अंडरस्टैंड करने में एज वेल एज फॉर प्रिपेयरिंग द मैनेजमेंट प्लान साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट प्लान फॉर द चिल्ड्रन थैंक यू